मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से बंगाल के अंदर अभी दंगा फसाद खून खराबी लूटपाट सब हो रहा है। कई बड़े बड़े दुकान लूट लिए जा रहे हैं, घरों में घुसकर डंडों से पीटा जा रहा है, बमबाजी हो रही है। किस तरीके से अभी टीएमसी बहुमत से जीत के आई है और बहुमत से जैसे ही जीत के आई उनकी जो विजयी जुलूस चल रही है गाजा बाजा के साथ चल रही है। मेरे पास सोशल मीडिया से कई ऐसी क्लिप आई है जिससे ये दिख रहा है कि बंगाल के अंदर फिर से दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका है। यही जो कार्य जो है बांग्लादेशी जो है जो हिंदुस्तान में घुस चुके हैं बांग्लादेशी उन लोग जो है यहाँ पर बैठकर आधार कार्ड अपना वोटर कार्ड बना लिए हैं और ममता बनर्जी को बहुमत से जिताकर किस तरीके से अब दंगा फसाद कर रहे हैं जो आपके सामने है। इसीलिए ममता बनर्जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया था, इसीलिए ममता बनर्जी को हम लोग जिताने के लिए रेडी हुए थे। क्या यही कारण था कि हम लोग ममता बनर्जी को जिताए और दंगा फसाद बंगाल में खून खराबा हो? क्या इसी के लिए हम लोग ने ममता बनर्जी के जो है जो MLA है उसका साथ दिया था? नहीं। अगर बंगाल में इस तरीके की अगर घटना होगी तो मैं बताना चाहूँगा कि हिंगलाज सेना चुप नहीं बैठेगी। बंगाल की हर फुटेज हमारे पास आ रही है, कितनी फुटेज हमारे पास आ चुकी है जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में दंगा फसाद हो रहा है, लोग लाठी और गट्टा और बंदूक और सिक्सर लेकर घूम रहे हैं और चारों तरफ जो है खून खराबा की और खून की होली खेली जा रही है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बंगाल के अंदर जो शोरूम होते हैं दुकानें होती है उसको लूटा जा रहा है। बंगाल में किस तरीके से DJ के नाम पर डिस्को करते हुए लोग घर में घुस जाते हैं और घर में घुसकर किस तरीके से लोग जो है घर में लाठी चार्ज कर दिए हैं, लोगों का सर फोड़ दिया है, खून की होली खेली जा रही है जिसकी आड़ में अभी तक कई लोग मारे गए हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। आए दिन ये घटना हो रही है। तो मैं ममता बनर्जी को इतला करना चाहूँगा और वहाँ के MP MLA जो ममता बनर्जी के हैं, अगर इस तरह की घटना अगर चलती रही तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देगी और मैं चाहूँगा कि अगर दोबारा ये घटना घटी तो राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार तत्काल लगाए ताकि बंगाल में जो ये खून खराबा और नंगा खेल खेला जा रहा है, खून खराबे की जो होली खेली जा रही है, किस तरीके से दंगा फसाद किया जा रहा है, बमबाजी की जा रही है, गोली चलाई जा रही है, तत्काल ये केंद्र सरकार एक्शन ले और ममता बनर्जी को जो है सबक सिखाए। कारण ये है कि ममता बनर्जी का समर्थन हम लोगों ने किया था लेकिन इसलिए समर्थन नहीं किया था कि वो हिंदुओं के घर में घुसकर दंगा फसाद कराए, खून खराबा कराए, ताकि हम लोग बंगाल एक संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति मांगती है, वहाँ पर जो है वो सभ्यता है बंगाल की, बंगाल के अंदर में जो है संगीतकार पैदा हुए हैं और बंगाल की एक संस्कृति है, एक खान पान रहन सहन वो चीज़ है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है किस तरीके से धीरे धीरे बंगाल जो है दंगे की चपेट में आता जा रहा है, किस तरीके से बंगाल में दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, लूट पाट हो रही है, मैंने जितने शब्द कहे जाए कम है। इसीलिए ममता बनर्जी को बहुमत दिलाया नहीं गया कि बंगाल में दंगा फसाद हो। और ये लास्ट चेतावनी है हिंगलाज सेना की तरफ से भी, सबके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सबको उठाकर कटघरे के पीछे फेंका जाएगा, सभी के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी क्योंकि सैकड़ों की संख्या में मतलब ये जो सोशल मीडिया में सैकड़ों की संख्या में क्लिपें रिलीज हुई है और पुलिस प्रशासन और ममता बनर्जी और केंद्र सरकार भी सोई हुई है क्योंकि वह चाहती है कि बंगाल में दंगा फसाद हो, लोगों की आंखें खुले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार तत्काल एक्शन ले नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू करे, केंद्र सरकार अपनी कड़े शब्दों में बात करे क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी गलती है। और मैं ये बताना चाहूँगा किस तरीके से ये दंगा फसाद हो रहा है। देखिए एक तरफ बंगाल में बोला जाता है कि आमी तुमको भालोवासी, यानी कि मैं सभी से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है और दूसरी तरफ बंगाल में दंगा फसाद हो रहा है, किस तरीके से बंगाल की संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ रहते थे, वहाँ पर जन्म हुआ, बंगाल की धरती जो है महापुरुषों की धरती है, वहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारी जन्म लिए हैं, बड़े बड़े संत वहाँ पर आते हैं जाते हैं, वहाँ पर संतों ने भी जन्म लिया है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बंगाल जो है दंगे की चपेट में आ रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, नंगा खेल खेला जा रहा है, पूरी तरह नंगा खेल खेला जा रहा है, हथियार में चापर गुप्ती उस्तरा नेपाला बुजाला और तलवार तक देखी गई है, यहाँ तक कि गन और बंदूक भी देखी गई है। देखो मैं सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ, डंडा वगैरह सब चल रहा है बंगाल में जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्वक है। और बार बार हर बार TMC भारतीय जनता पार्टी TMC को मैं बताना चाहूँगा, TMC की सरकार बन चुकी है, उसको मैं बोलना चाहूँगा कि तत्काल अगर ये रुका नहीं तो बहुत ही
ये समय दूर नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे बहुमत के बाद भी राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो गया तो आपकी रही सही जो इज्जत बची है वो भी फट जाएगी और काफ़ी नुकसान होगा टीएमसी को। टीएमसी को बहुत नुकसान होगा, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बहुत मेहनत के साथ बंगाल में अपना कब्जा किया है, जीत कर 200 प्लस सीटें लेके आई है, वो पानी की तरफ भेज जाएगी। इसलिए मैं ममता बनर्जी से इस क्लिप के द्वारा ममता बनर्जी को कहना चाहूँगा कि बंगाल पर थोड़ा सा फोकस डाले, बंगाल में शांति और प्यार का माहौल पैदा करे, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि बंगाल में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो और आपकी रही सही इज्जत जो है वो फट जाए। मैं ये बार बार चेतावनी देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपको शेयर करें, लाइक करें और अपनी बात रखें और कमेंट करें और जो बंगाल में घटना घट रही है उस बंगाल की घटना को उजागर करें ताकि हमें मालूम चले किस तरीके से बंगाल में क्या काम हो रहा है, किस तरीके से बंगाल में दंगा फसाद हो रहा है या शांति का माहौल है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।